सर आज के प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हो रहा है सबसे पहले तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इतना खूबसूरत गाना निखार है। काफी टाइम से हमारी बात चल, फाइनली आज वो दिन आया है कि आज गाना रिकॉर्ड हुआ है हमारा, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। और जो टीम है, सतिंदर जी हैं, हमारे राजा जी हैं, तो अच्छा एक ये टीम को लेके चल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें इनके माइंड में हैं, तो अच्छा जब गाना आएगा तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा जिस तरीके से मेहनत की है गाने को लेकर। वेट उसमें आप क्या करना चाहेंगे इस गाने के बारे में बताइए, किस तरह गाना है आज का, मतलब जो रिकॉर्ड किस तरह का मूड है, क्या सब्जेक्ट है? सर मूड ये गाने का ये एक्चुअली सिंगल एल्बम है, तो आप लोगों को मालूम ही है कि सिंगल एल्बम काफ़ी ज़्यादा जो है वो धड़ाम धड़ूम वाले नहीं होते, तो सैड सॉन्ग है। और बस ये तो मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूँगा कि कैसा गाना है, ये तो पब्लिक सुन के वो खुद रिव्यू देखे कि कैसा गाना है। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजा देवेंद्र जी, जो कि गोवा से आज डबिंग के लिए आए हैं, जबकि पास में इनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं है ये मुझे मालूम है, और मैंने इनको बहुत ही फोर्स करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया है कि सर आप आ जाइए 2 घंटे के लिए, और ये आए हैं मेरे बोलने पर, और अभी ये 1-2 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे गोवा। तो मैं राजा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। तो मैं राजा जी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें राजा भाई का। तो बाकी तो गाना तो ऊपर वाले क्रम से देखिए, इंशाल्लाह जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा तो आप लोग सुनेंगे, बहुत ही प्यारा गाना है, सैड सॉन्ग। सर आपका सोच बताइए क्या है इस प्रोजेक्ट से, क्या करना है? देखिए जब प्रोजेक्ट होता है, सिनेमा जब बनती है ना तो डायरेक्टर पहले आता है और म्यूजिक डायरेक्टर को साइन करता है। जब एल्बम की बात आती है तो उस्मान भाई ने डिस्कस किया था, मेरे साथ जिक्र किया कि अब तमस गा रहे हैं और राजा भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये पहली बार करने जा रहा हूँ मैं। तो एल्बम की तैयारी जो है ना फिल्म के जैसी हो गई थी, काफ़ी टाइम गाना बनाने में लगा। एक्चुअली ये एल्बम जल्दी से करते थे क्योंकि फिल्म में बड़ा करते हैं, लेकिन अब बोलते हैं रिक्वेस्ट की कि मैं बोला आप कीजिए, तो इन्होंने बोला कि छोड़ो। मुझे अच्छा लगा गाना सुनने के बाद, ऐसा लगा मतलब ये सोच ले कि एक गाना एक सिंगर आता है एक दिन गा के चला जाता है, तीसरी बार फिर थिएटर में इतना मेहनत कर रहे हैं गाने को लेकर के। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि राजा भाई भी पूरे जोश के साथ लगे हुए, तो मुझे लगा अच्छी टीम है, अच्छा म्यूजिक है, एल्बम करना चाहिए। बहुत कमाल का म्यूजिक जो बोलते ना कि आपको किसी का नाम नहीं लेते जो कुछ हिट हो रहा होता है ना, तो ये एक शुरुआत है कि यहाँ से जो है ना उस्मान भाई की गाड़ी म्यूजिक डायरेक्टर की बढ़िया चलेगी। राजा जी इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुछ कहना नहीं आता, मैं तो ऑडियंस हूँ। आज इतनी मतलब इतनी दूर से आए मतलब इस गाने के लिए, तो मतलब कुछ तो वजह रहा होगा, मैं सुनने के बाद बताऊंगा, पता ही नहीं मुझे। उस्मान भाई क्या उम्मीद है इस गाने से आपको? सर उम्मीद मुझे ऊपर वाले की जात से है, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी मुझे इन लोगों पर पूरा विश्वास है, तो बढ़िया ही करेंगे जो करेंगे। जो गाना ना गाने के साथ साथ एक कहानी चलेगी इस गाने में जो है ना, एक प्यार और जो होते ना दर्द, इन्होंने बोला सैड सॉन्ग है, सैड सॉन्ग एक प्यार भरा खूबसूरत गीत है, तो उसको एक स्टोरी में जब ढाल के जब हम लेके आएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत कमाल का म्यूजिक दिया है इसमें, ये नहीं कि हम साथ में बैठे और हमेशा आ जाते प्रेस के बारे में बात करते के टाइम में, आप गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये गाना में दम है। मतलब जी आप अगर बता दिया हो एक लाइन आप सुना सकते हैं या अभी आपको? सर गाने को अभी रिवील नहीं कर सकते। अच्छा आप जानते हैं कि सरप्राइज, हाँ थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ हाइड रखना बहुत ज़रूरी होता है। देना चाहते हैं। आपको कैसा लगा गाना? आपने ब्रेक तो कर दिया होगा आपको? बहुत खूबसूरत गाना है, और इंशाल्लाह जब ये गाना आएगा तो ये बहुत पसंद किया जाएगा। और सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग क्या है? ये सैड रोमांटिक सॉन्ग। शर्मा जी आजकल क्या गाने स्टोरी को लेकर आते हैं, क्या कहना चाहिए, कितना डिमांड है मार्केट में, हर गाने में एक स्टोरी रहती है? देखिए पहले एक फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो जाता था, आजकल एक एल्बम रिलीज होता है, और एक एल्बम की एक दिन में लाइकिंग जो हो गई
जो सोशल मीडिया की वजह से बाकी जो ना इतना ज़्यादा हो गया कि एक गाना एक दिन पॉपुलर करके कहाँ से सिंगर पहुँच रहे, कहाँ से गाना, मतलब सोचिए कि एक बंगाल में गाने वाली सिंगर आई थी और एक गाना गाई रेणु मंडल और रेणु मंडल पूरा हिंदुस्तान पहचान गया, कहाँ से तो चीज़ें एल्बम नहीं रहेगी सर, एल्बम एक इंसान के कैरियर, मैं बोला ना कि इस गाने के बाद उस्मान भाई का आप देखना कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनका जो अलग हो रहा है, इतना मेहनत ये कर रहे हैं एक महीने से, और इनकी मेहनत को देख के मैं बोला कि नहीं इस चीज़ को अच्छी बनाने के लिए अच्छा टीम चाहिए, और जब एक राजा प्रोड्यूसर राजा मिल जाए आपको तो डेफिनेटली आप क्या कह रहे हैं सर, कैसे जुड़े इनसे, आपका परिचय? यस, ये एक्चुअली मैं बता देता हूँ, प्रोड्यूसर ही है, का नाम है बॉबी, ये भी प्रोड्यूसर ही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? मैं तो जी बस ऑल द बेस्ट कहूंगा उस खान उस्मान खान जी एंड टीम को। उस्मान भाई कास्टिंग फाइनलाइज हुई कौन भाईजान? एक्चुअली क्या है, जैसे कि अभी सचिन शर्मा जी ने मेरी तारीफ की है, फ्रेंकली स्पीकिंग ये इनका बड़प्पन है, इनका प्यार है, काम का है, हकीकत बात है। बाकी हाँ ये चीज़ है कि जैसे कि अल्तमस फरीद जी जो है, इन्होंने तो ये 50 गाने इनके हिट हो चुके हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत सारे हिट हुए हैं, लेकिन ये गाना जो थोड़ा सा अलग रंग लेके आएगा, ये मतलब मुझे अलग हटके लग रहा है, ये इनके लफ्ज़ हैं। और ये बताइए इनके कौन कौन से गाने पहले हिट हैं वो बताइए सर। जैसे रिसेंटली अभी मेरा एक मुलाकात एक चुम्मा जो कि बहुत ही गर्म से बहुत हिट हुए हैं गाने, हाउसफुल फोर, और अभी भी काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, अभी भी रिसेंटली मेरा एक अर्जुन सॉन्ग काफ़ी धूमधाम से हिट हुआ था प्यार है, तो उसके बाद फिर ये गाना, बाकी जैसे उस्मान खान जी ने बताया कि गाना कुछ डिफरेंट साउंड कर रहा है, जब ये गाना आएगा तो पसंद आएगा, चीज़ें बनती बनते बन जाती है। ठीक है, इस सॉन्ग को आप चूज करना नहीं चाहते, लेकिन जो आपका फेवरेट है आपका एक मुलाकात, गजब हो गया कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। थैंक यू सर। अच्छा इसी के साथ में ये अभी आमिर साहब हैं, आमिर साहब आइए, जो इस गाने में एज ए प्रोग्रामर और ये जो गाना इन्होंने गाया है उसके म्यूजिक डायरेक्टर इनके भाई हैं अमजद नदीम, जगह दीजिए तो मैं एक ही लव्स कहना चाहूँगा, ये जो इस गाने के बारे में बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है और अल्तमस ने गाया बहुत अच्छा है, थैंक यू आमिर भाई, बस अच्छा शूट हो जाए तो मज़ा आ जाए। आप कैसे जुड़े हैं सर इस गाने से? उस्मान जी आए थे मेरे पास, एक गाना करना है आमिर, तो मैंने कहा सुनाइए क्या क्या मेलोडी है, तो जैसे ही उन्होंने गाना सुनाया बोला यार ये फटाफट अल्तमस को कॉल किया जाए और ये अल्तमस ही गाएगा, इतनी अच्छी ट्यून है, तो ये इसकी स्टोरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए एक फोटो भी ले रहे हैं सर, एक मिनट सर, एक मिनट एक फोटो के लिए मार लिया, कैमरा नीचे कर दो, असिम भाई कैमरा भी हटवाओगे लाइव लो जी, थैंक यू।